हेलो क्रिकेटर्स, क्रिकेट कार्डियो की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग कमेंट्स करके बैटिंग के बेसिक्स के ऊपर एक वीडियो मांग रहे थे, तो हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बैटिंग के बेसिक्स के ऊपर होने वाली है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि फ्रंट फुट डिफेंस के तीन सिंपल स्टेप्स क्या होते हैं, उसे खेला कैसे जाता है, कौन सी लेंथ पे खेला जाता है, अक्सर आप में से काफी सारे लोग क्या गलतियां कर देते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। एक फ्रंट फुट डिफेंस शॉट, दोस्तों जैसे ही आप एकेडमी ज्वाइन करते हो सबसे पहला शॉट वही सिखाया जाता है। मैंने भी अपनी एकेडमी ज्वाइन करती सबसे पहला वही शॉट सीखा था। और हाँ दोस्तों, हम 100K की फैमिली के बहुत ज़्यादा पास है, हमारे 95,000 कुछ सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और 100K पे मैंने एक स्पेशल वीडियो सोची है कि बचपन से लेकर अभी तक जो भी मैंने अपने बैट्स लिए उसकी मैं एक वीडियो, 100K हमारे जैसे ही सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे वैसे ही मैं वो वाली वीडियो लेके आ जाऊंगा। आप जल्दी से सब्सक्राइब कर देना यहाँ पे और आज की वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। अब क्रिकेटर्स, शॉट्स की हम बात करें तो सबका अपना अलग तरीका होता है हर एक क्रिकेट शॉट खेलने का, वैसे ही आप सभी का अलग तरीका हो सकता है फ्रंट फुट डिफेंस खेलने का। बस कुछ टिप्स होती है दोस्तों, वो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, जो कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप अच्छे से फ्रंट फुट डिफेंस कर पाओ। सबसे पहले हम लाइन और लेंथ की बात करें तो दोस्तों, जैसे आपको सबसे पहले लाइन जज कर लेनी है, जैसे मिडल स्टंप की बॉल है तो आपको जो फ्रंट फुट है वो मिडल स्टंप की साइड ही पैर निकालेंगे आप। और अगर लेंथ की हम वहीं पे बात करें तो फ्रंट फुट डिफेंस जनरली गुड लेंथ की बॉल्स पे किया जाता है। अब जैसे ये रेड वाले कोन आपको नजर आ रहे होंगे, ये फुल लेंथ के हैं, और जो ऑरेंज वाले कोन से दोस्तों वो गुड लेंथ की बॉल है, तो वहां पे अगर टप्पा खाएगी तो आपको डिफेंस करना है। तो अब मैं आपको तीन स्टेप्स बता देता हूँ जिससे आप आसानी से फ्रंट फुट डिफेंस कर पाओगे। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपना स्टांस ले लेना है। जैसे ही आप स्टांस ले लोगे उसके बाद सेकंड आपका हेड बॉल की साइड जाना चाहिए ताकि हेड निकलते ही आपका पैर ऑटोमेटिकली आगे निकल जाए, और इसके बाद आपको बॉल को जज करके उसे वहीं पर डिफेंड कर देना है। मैं तीनों स्टेप्स आपको एक साथ करके दिखा देता हूं। स्टांस, अब आपका हेड जाएगा आगे और ऐसे आपको जाके डिफेंड कर देना है। अब कुछ बातें होती है दोस्तों, वो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, और कुछ गलतियां भी होती है जो आप अक्सर कर देते हो। अब उन सब गलतियों के बारे में मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। सबसे पहली गलती जो अक्सर लोग कर देते हैं, वो क्या करते हैं, बैट और पैड में काफी गैप रहता है, उसकी वजह से बीच में बॉल चली जाती है। अब मैं आपको एक बार एग्जाम्पल दिखा देता हूं। ये स्टांस ले लिया, वो क्या करते हैं, अपना पैर अच्छे से आगे ले आते हैं बट ऐसे दूर से खेल लेते हैं, इसके बीच में गैप हो जाता है और आपकी बॉल निकल जाती है और स्टंप्स पे लग जाती है, इसकी वजह से बोल्ड हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी फ्रंट फुट डिफेंस करोगे आप, आपका पैर ऐसे आएगा और आपके जो बैट और पैड का गैप है वो काफ़ी कम रहना चाहिए ताकि आपकी बॉल आगे बैट से ही मीट करे, पैड पे ना लगे। अब दूसरी टिप जो मैं आपको बताना चाहूंगा क्रिकेटर्स, वो है कि आप जैसे ही स्टांस लो, फ्रंट फुट डिफेंस करते हुए आपका जो हेड है और आपका जो बैट पोजीशन है और बॉल की पोजीशन, ये तीनों चीजें एक लाइन में होनी चाहिए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे। जहां पे बॉल है उसकी साइड पैर निकालना है और बैट ले जाके आपको सेम लाइन, ये देखिए बॉल, बैट और मेरा हेड पोजीशन सेम लाइन में है। अगर ये सेम लाइन में नहीं होते, अब जैसे मान लीजिए आप पैर इधर निकाल रहे हो और बैट से इधर खेल रहे हो डिफेंस, या आपका शॉर्ट लेग पे कैच आउट हो सकता है, फिर स्लिप फर्स्ट स्लिप की साइड भी आपका कैच जा सकता है। अब तीसरे पॉइंट में दोस्तों, आपको एक बात ध्यान में रखनी है, मैं आपको साइड से दिखा देता हूं। जैसे ही आप स्टांस लो, आपका जो फ्रंट फुट आगे की साइड निकलेगा, जैसे ये एक्सटेंड होएगा, इसके आगे आपका हेड होना चाहिए ताकि आपका बॉल पे कंट्रोल हो और आप बॉल पे अच्छे से ऊपर आ जाए। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे आपको फ्रंट फुट डिफेंस करना है। ये देखिए ऐसे आगे निकला और ये देखिए हेड मेरा आगे आ चुका है। जैसे ही आपका ये सारा वेट आपके फ्रंट फुट पे आ जाएगा, अपने आप बॉल के टॉप पे आ जाओगे और उसे वहीं पे रोक दोगे। ठीक है, मैं एक फ्लो में आपको करके दिखा देता हूँ। अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि आपका जो बैक लेग है वो उसकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, वो मैं आपको साइड से दिखा देता हूँ। जैसे ही आप स्टांस लोगे, फ्रंट फुट डिफेंस के लिए जाओगे, तो आपका जो लेग है वो ऐसे ऐसे आना चाहिए। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, इसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, आपका जो ये वाला लेग है ये एयर में जा सकता है। तो आप ऐसे रखा कीजिए और इसी पोजीशन में स्टेबल रखना सीखिए, जितना देर आप इस पोजीशन में रुक सकते हैं वो आपके लिए अच्छा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर साइड से अगर आपकी ये देखिए नाइन, यहाँ पे आपका नाइन बनते हुए नजर आ रहा है, तो ये आपकी परफेक्ट पोजीशन होती है। अब क्रिकेटर्स, हम रिस्ट पोजीशन की बात करें तो फ्रंट फुट डिफेंस में आपका जो डोमिनेंट हैंड होता है वो होता है टॉप हैंड, टॉप हैंड से आपको कंट्रोल करना होता है। और जो आपको बॉटम हैंड होता है उसमें दोस्तों आपकी ये तीन उंगलियां लगती है, दो ये और एक थंब।
अब जैसे ही आप बॉटम हैंड लूज कर दोगे दोस्तों, आपकी बॉल यहीं पे आसपास रुक जाएगी। ऐसे पैर आप आगे लेके जाओगे और आपका टॉप हैंड बॉल के ऊपर आ जाएगा और ऐसे आप रोक दोगे। ये देखिए मेरे बस ये तीन उंगलियां यहाँ पे बॉटम हैंड की काम कर रही है। तो रिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। अब मैं आपको ड्रिल्स बता देता हूँ जिससे आप और परफेक्ट होते जाओगे फ्रंट फुट डिफेंस करने में। अब क्रिकेटर्स में आपको दो सिंपल ड्रिल्स बता देता हूँ जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट तो आपको कोन रखना है, फिर आप बॉटल भी काट के रख सकते हो, उसके ऊपर आपको बॉल रखनी है, फिर आपको अपना स्टांस लेना है और जो भी सारी डिटेल्स मैंने आपको बताए थे, स्टेप्स बताए थे, वही सब आपको फॉलो करके अपने अच्छे से, फॉर्म आपकी अच्छी रहनी चाहिए, आपका जो स्टांस है, जो आपका तरीका है वो अच्छा रहना चाहिए और फिर आपको डिफेंड करनी है बॉल। मान लीजिए यहाँ पे बॉल टपक आएगी, स्टेप आगे एक ही लाइन में और डिफेंस। जितना आप यहाँ पे स्टे करोगे ना क्रिकेटर्स, जितना ज़्यादा स्टे करोगे उतना ही आपका बॉडी का बैलेंस अच्छा होता जाएगा। अब सेकेंड ड्रिल में दोस्तों आपका दोस्त सामने से बॉल फीड करेगा और आपको उस पर फ्रंट फुट डिफेंस करना है। मैं आपको कुछ बॉल्स करके दिखा देता हूँ। आपको कोशिश करनी है कि बॉल आपसे ज़्यादा दूर ना जाए, आपके पिच की रेंज में ही रहे, पिच से बाहर नहीं जानी चाहिए, तो ये आपको कोशिश करनी है। हल्के हाथ से जितना हो सके टॉप हैंड टाइट रखिए और बॉटम हैंड को लूज रखिए। तो क्रिकेटर्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा फ्रंट फुट डिफेंस के बारे में। आप ये ड्रिल ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए, आपका फ्रंट फुट डिफेंस अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। और आपको जो भी कमेंट्स में आप जो भी टॉपिक्स देते हो, मैं ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लो यार, 95,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं और 100K सब्सक्राइबर्स पे मैं आज तक के जितने भी बैट मैंने यूज़ किए हैं, जो भी मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट में यूज़ किए हैं, उन सब की एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो 100K सब्सक्राइबर्स होते ही वो वीडियो डाल दूंगा। अब मिलेंगे क्रिकेटर्स अगली वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार। Bing bing boom.